अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा आपको मेन्यू, टाइटल और स्टेटस बार और टूल के बारे में थोड़ा सा बताया था। आज हम बात करेंगे पैलेट्स की। दोस्तों, ये हमारे पास जितने हैं ये पैलेट्स हैं, इसमें हिस्ट्री है, एक्शन है, टूल है, और यहाँ पे कलर देखें, स्विच देखें, स्टाइल देखें, ये पाथ है, चैनल्स हैं, इन सबको हम पैलेट्स कहते हैं दोस्तों। तो ये पायलट्स कैसे, यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ पे देखें ये लेयर है, यहाँ पे आप, यहाँ पे सिलेक्ट फिल्टर है हमारे पास, हम मुख्तलिफ चीज़ों को पे यहाँ पे फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, व्यूज़ हैं इसके, रूलर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं स्लो स्लो आपको नेक्स्ट वीडियो में सबके बारे में आपको बताता जाऊंगा। ये हमारे पास ब्रश ब्रशेज है, फाइल ब्रोस है, अगर हमें कोई फाइल ब्रोस करनी है। फिलहाल हमने कुछ नहीं किया हुआ और ना करने वाले हैं, आगे जाके आपको मैं बताऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे हम आज ज़्यादातर हम लेयर पे बात करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास लेयर है, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं। उसके अलावा यह विंडो है, यहाँ पे आप किसी टूल को एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ये स्टाइल वाला ये टूल चले जाते हैं आपके पास, आप परेशान हो जाए, नेविगेशन टूल है तो आपने ये कैसे लाने हैं, तो आपने यहाँ विंडो पे जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने टूल्स हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे ये देखिए, चैनल पे आप चेक वर्क करते हैं तो चैनल आ जाता है, और आप नेविगेशन टूल लाना चाहें और कोई भी आप अनचेक करेंगे तो आपका टूल वो है डिजेबल या अनेबल हो सकता है। ये स्टाइल टूल है, लेकिन आप अगर चाहें तो इनको आप रिमूव कर सकते हैं, एक्शन टूल है। तो दोस्तों, ये हमारे पास ब्राउज फाइल मैं आपको बता चुका हूँ, ये है शो बॉक्स, और यहाँ पे आपको फिर से बताता जाऊँ, यहाँ पे हम न्यू फाइल है जो, और यहाँ पे हम पुरानी फाइल है जो, वो यहाँ से, यहाँ पे ब्रोस है, सेव एज पे बात करते हैं हम। अगर आप चाहते हैं कि ओपन एज, यानी कि आपने कौन सी फाइल, रिसेंट फाइल है, वो भी आपको आगे जाके बताएंगे। क्लोज है, सेव और सेव एज, इनमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे आपको मैं ये चीज़ बताता जाऊँ। अगर आप एग्जांपल के तौर पे आपने अपने जो टेबल है उस पर ये चीज़ क्रिएट कर ली है, और आप चाहते हैं, इसको हम PST फाइल कहते हैं, जब हम सेव करते हैं आप इसको रीचेक फाइल करते हैं, कि अगर आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं बाद में जब चाहे इसी तस्वीर को एडिट कर लूँ, तो आप यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे आप देख सकते हैं PST फाइल है, PDD फाइल भी कहते हैं इसको। एग्जांपल के तौर पे आपने यहाँ पे पिक्चर लिख देता हूँ, पिक्चर के नाम से मैं इसको सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पिक्चर के नाम की, ये हमारे पास ये पड़ी है पिक्चर नाम की, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ऐसी तस्वीर ओपन हो जाएगी फिर से, और ये अडोब फोटोशॉप के अंदर ही होगी, और इसको हम जब चाहें एडिट कर सकें। और दूसरी बात करते हैं सेव एज की, सेव एज ये है कि आपने यहाँ पे पिक्चर का नाम लिखा है और आप चाहते हैं कि ये तस्वीर बन जाए। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत से स्टाइल हैं, स्लो स्लो मैं आपको सारा बताता जाऊंगा, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह, PNG है, PXR है, लेकिन जो अक्सर तस्वीर इस्तेमाल होती है वो GPG होती है। अब मैं GPG करता हूँ, और देखें ये, अगर आप नाम कोई क्रिएट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, डेमो के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इसको सेव किया। अब मैं देखता हूँ कि ये क्या है, ये है, ये देखें ये तस्वीर हमारे पास आ गई। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ग्राफिक्स टूल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।